ये है एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक बोर्ड। यहाँ पे आप देखिए कि एक ये स्विच है, एक ये स्विच है, एक ये स्विच है, एक ये स्विच है, और ये एक 3 पिन सॉकेट है जहाँ पे करना है। ठीक है, अब हर जो ये बोर्ड होता है इसमें आपको पता है कि 3 तारे होती हैं। एक होती है फेज की, एक न्यूट्रल की, और एक अर्थिंग की होती है। अर्थिंग का मतलब कोई भी करंट जो सप्लाई आ रही है वो अर्थ में चला जाए, हमें जो है करंट से बचाता है। ये देखिए आप सिंपल जो है इसमें 4 स्विचेस लगे हैं और एक सॉकेट लगा हुआ है। अब मैं आपको जो है इसका ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ से जो आ रही है तारे, ये हमारी MCB से तारे आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखना, आप यहाँ पे देखिए, ये पहला स्विच, दूसरा स्विच, तीसरा स्विच, चौथा स्विच। ठीक है, अब इन चारों स्विच को पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर इस स्विच में हमें क्या करना पड़ेगा, एक फेज और एक न्यूट्रल का देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस वाले स्विच को देखो, ये तार आप देखेंगे, और ये फिर इसी जो ये ब्लू वाली तार है इसी से हमने इस वाले स्विच को, ये देखिए, और इस वाले स्विच को, चारों को एक साथ जोड़ दिया है। उसके बाद से हमने क्या करना है कि ये देखिए, ये वाला स्विच, ये वाला स्विच, ये वाला स्विच, ये सब एक तार के टुकड़े देखिए इस वाले तार से जुड़े हुए हैं। अब हमने क्या करना है कि इसमें किसी एक में हम फेज की सप्लाई देंगे तो ये सब के सब तारों में फेज की सप्लाई आ जाएगी। जैसे हमने ये देखिए, एक फेज की तार आ रही है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ये देखिए, ये फेज की तार जो आ रही है, इसको हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि सारे के सारे फेज की तारें जो हैं इन सभी स्विचों में, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है, जुड़ जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये स्विचेज हैं जिनको कि हम अलग अलग चीज़ों से जोड़ सकते हैं। जैसे ये हमारा पहला स्विच है, ये वाला पहला स्विच, इसका जो दूसरा ये वाला एंड है हम इसको यहाँ से जोड़ देते हैं। इससे क्या होगा कि जो ये फेज है, ये फेज इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद से हम क्या करेंगे कि ये वाला जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा, और एक हमने क्या करना है इसमें, ये है न्यूट्रल के वायर जो कि हमने इसको कनेक्ट कर देना है। तो इस वाले सॉकेट में इस वाले स्विच से, ये वाला जो स्विच है इससे फेज भी मिल गया और न्यूट्रल भी मिल गया। उसी तरह से ये वाला सॉकेट है, अंदर फेज हम जोड़ चुके हैं ऑलरेडी, सिर्फ ये वाला पोर्शन खाली है, ये वाला पोर्शन जिसको हम किसी भी लैंप के साथ, किसी फैन के साथ इस वाले स्विच को कनेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से इस वाले पर्टिकुलर चीज़ को हम किसी भी लाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इस वाले को कनेक्ट। मेन चीज़ क्या है कि फेज इसमें जा चुका है, न्यूट्रल हमने सबको कॉमन दे दिया है। अब हमने सिर्फ क्या करना कि जो भी ये वाले जो है इनको हम अलग अलग उसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये कि पूरा का पूरा जो है ये स्विच बोर्ड नॉर्मल जो है, उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे तो इसको ऑन ऑफ करेंगे तो आपका ये वर्किंग करेगा।